नमस्कार, न्यूज एट फोर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। खबरों के निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। हाई कोर्ट के फैसले पर मायावती ने सरकार को घेरा है। सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर यूपी निकाय चुनाव को लेकर ये सरकार की घेराबंदी कर दी है। कहा है कि सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मायावती का ये ट्वीट है। ओबीसी आरक्षण के लिए जो आज कोर्ट का जजमेंट आया है, ये ट्वीट है मायावती ने लिखा। यूपी में बहुप्रशिक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जहां संविधान के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट है। कोर्ट के फैसले के बाद मायावती ने ये सरकार पर पलटवार किया है। कहा है कि इससे साफ हो गया सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच है जो इस मामले में सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। हाई कोर्ट के फैसले पर मायावती ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये सरकार की आरक्षण और ओबीसी विरोधी सोच को दर्शाता है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां निकाय चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आयोग का गठन होगा। ये एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन होगा। ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होंगे चुनाव। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम योगी ने साफ कर दिया है। इसे लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये सीएम योगी का ट्वीट है, जिसके बाद तमाम चीजें साफ हुई हैं। कहा कि इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले के बाद ये ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सरकार कर सकती है और आयोग का गठन किया जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा अध्यादेश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी शैलेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उन्हीं से लेते हैं। शैलेश, जिस तरह से कोर्ट का जब फैसला आया है, उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। यहां विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। मायावती ने कहा है कि ये ओबीसी और आरक्षण विरोधी सरकार है, ये इस फैसले से साफ हो गया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब ये फैसला आने के बाद किस तरह से ये निकाय चुनाव की जो दिशा है वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है और राजनीति कैसे इस मामले में पूरी शुरू हो गई है, इसके बारे में बताएं। अनु, देखिए, निश्चित रूप से जो पहले से अंदाजा था कि अगर कोर्ट का फैसला इस तरह का आता है कि ट्रिपल टेस्ट और कमीशन के गठन की बात कही जाती है, तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक मौका मिलेगा हमला करने का, और वो मौका मिला भी है। और देखिए, जैसे ही फैसला आया तो सपा अध्यक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भाजपा जो है वो पिछड़ों की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है। और अब तो बसपा की तरफ से जो बसपा सुप्रीमो मायावती का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने भी यही कहा कि ओबीसी और पिछड़ों की अगर बात करें तो विरोधी है ये भाजपा सरकार, अगर ये टेस्ट पहले करा लेती तो आज ये नौबत नहीं आती, चुनाव समय पर हो जाते। हमारे साथ में इस समय सपा के नेता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। उदयवीर जी, जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया, आप लोग लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे पिछड़ों की विरोधी है सब, लेकिन अब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है सरकार ने, ये कह दिया है खुद मुख्यमंत्री ने कि
कमीशन का गठन करके ट्रिपल टेस्ट करा के उसके बाद ही जब ओबीसी का आरक्षण लागू होगा तभी चुनाव कराए जाएंगे, जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने कुछ नया नहीं कहा है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के, बगैर डेडिकेटेड कमीशन बनाए, बगैर गिनती कराए चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकते, और ये तो मध्य प्रदेश में पहले ही कह चुका था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में पहले ही ऐसा कहा था, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही पूरा आरक्षण खत्म करके जनरल सीटों पर चुनाव करा दिया था। तो जो एक बार पिछड़ों का आरक्षण मध्य प्रदेश में गलती से खा गए, अगर वो गलती बताते हैं अपनी, तो ये गलती उन्होंने यूपी में दोबारा क्यों की? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बगैर पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे और हम कोर्ट से जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें नया क्या कहा है? वो नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, जिनका हक है वो जाएंगे। जो दलितों के आरक्षण की हितों के लिए लड़ रहे हैं, जो पिछड़ों के आरक्षण के हितों के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो इसे छोड़ देंगे? तो सरकार अपना मुंह साफ करने के लिए कहीं जाए, सरकार ने अंतिम समय तक ये कोशिश की कि गलत तरीके से अपनी मनमर्जी से किए गए आरक्षण के हिसाब से चुनाव करा लें। इसके लिए पूरा तंत्र मंत्र लगाया गया, आपने देखा लगातार पिछले एक महीने से डेट पे डेट समय मांगते रहे, हाई कोर्ट में कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले आएंगे, हमारा एक चुनाव कराने की परमिशन दे दीजिए। तो भाजपा सारा कुछ कर चुकी है और भाजपा ये जानती है कि इतना बड़ा वर्ग है, ये वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है और इसके समर्थक जो लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, वो लड़ेंगे, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े चाहे संसद में लड़ना पड़े। तो अब तो केवल जो कालिख भाजपा के मुंह पर पुत गई है इस निर्णय के बाद, उसको पोंछने का काम किया जा रहा है, मुंह साफ करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह उदयवीर जी, जब अन्य राज्यों के उदाहरण सामने थे, फिर इस तरह का कदम आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों उठाया गया, क्या लगता है? उनकी सोच, जिसको नहीं देना है, अरे एक सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं देनी थी कौरवों को? जिसकी सोच है नहीं देने की, वो नहीं देना चाहता, वो अंतिम समय तक कोशिश करता है जितना कम देना पड़े। वरना जब मध्य प्रदेश में पहले ही ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन से स्क्रैप कर दिया, और स्क्रैप करने के बाद ओपन करके बिना आरक्षण के चुनाव कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसे तो मालूम था ना कि ये यूपी में भी होगा। और आज से डेढ़ महीने पहले ही हाई कोर्ट के जज महोदय ने कह दिया था कि एक क्लियर वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का और इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, आप डेडिकेटेड कमीशन बना के इसका गिनती कराइए, सर्वे कराइए। लेकिन सरकार फिर भी डेढ़ महीने तक प्रयास करती रही, ऊपर से नीचे तक सारे सरकारी वकीलों से लेके बड़े बड़े वकील इंगेज किए गए ताकि मनमर्जी से निकायों में आरक्षण कर दिया जाए। क्या लगता है अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने गुमराह किया सरकार को? नहीं, क्यों अधिकारी जिम्मेदार हैं? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव कराना पड़ा, राजनीतिक लोगों ने वो चुनाव देखा, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को वो पता नहीं था? अधिकारी कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? अधिकारी वही करते हैं जो शासन की मंशा होती है, जो मुख्यमंत्री की मंशा होती है। अगर मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत कुछ अधिकारियों ने किया होता तो अब तक जो है इस सरकार के 10-15 बड़े अधिकारी अपने घर पहुंच गए होते, फाइल वगैरह बंद करके सस्पेंड होके। तो सरकार की मंशाओं को पे खरा उतरने की कोशिश कर रही है, कोशिश की है अधिकारियों ने। और जो आरक्षण के खिलाफ जो मानसिकता का प्रश्न है वो तो पहले से ही चल रहा है, दलितों के आरक्षण पे भी इसी तरह आप हर जगह प्राइवेटाइज करना चाहते हो, हर जगह आप जो है प्राइवेट वेंडरों को संविदा पे काम दिए जा रहे हो। क्यों दिया जा रहे हो? क्योंकि उसमें ना आरक्षण होता है, न किसी की मिनिमम वेज गारंटी होती है। तो आप पीड़ित, शोषित, गरीब, कमजोर की तनख्वाह मारना चाहते हो, उनका हक मारना चाहते हो, इतनी सी बात है। अच्छा, इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती के सुर भी समाजवादी पार्टी से मिलते जुलते लग रहे हैं। आप लोग तो कहते थे कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन यहाँ पर तो सुर जो है आप लोग से मिलते जुलते लग रहे हैं, वो भी हमलावर है भाजपा के। हम कभी नहीं कहते थे बी टीम ए टीम, हम ये कहते हैं जो आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा काफ़ी एक है। इसी हिसाब से काशीराम जी और नेताजी ने गठबंधन किया था, इसी हिसाब से हमने और बहुजन समाज पार्टी ने अभी गठबंधन किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कोई मजबूरी है, कोई कारण है,
कि राजनीतिक निर्णय वो भाजपा के खिलाफ पूरी तरह नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे उनके ऐसे निर्णय रहे जहां उन्होंने अपनी विचारधारा के विपरीत भाजपा के डिसीजन का समर्थन कर दिया है, जैसे कश्मीर का बता रहे हैं इस वक्त उदयवीर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इस पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस मसले पर अब ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगरीय चुनाव हेतु ओबीसी वर्ग के हितों को सुरक्षित रखते हुए एक विशेष आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए मैं उन्हें समाज की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सबको मान मिले, सम्मान मिले, नेतृत्व करने का अवसर मिले, ये भाजपा का मुख्य ध्येय है। ये स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनका ये ट्वीट आया है इस फैसले के बाद। और इसके बीच ही यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी ट्वीट आ चुका है, उन्होंने क्या कहा है ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस समय पर इसे संपन्न कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रत्येक समुदाय व वर्ग के अधिकारों के संरक्षण हेतु भाजपा प्रतिबद्ध है, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। ये भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और वहीं शिवपाल यादव ने भी अब ट्वीट कर दिया है, उनका भी ट्वीट देखिए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहे। शिवपाल सिंह यादव ने ये फैसला आने के बाद ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अखिलेश यादव का यह ट्वीट है, लिखा कि अखिलेश यादव ने भाजपा ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रखी है। कहा कि भाजपा कल बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश ने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है, अखिलेश यादव का ये बयान है। और वहीं सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने भी निकाय चुनाव पर आए फैसले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार पर बड़ा हमला इसके जरिए बोला, निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले, मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी। राम गोपाल यादव ने ये सख्त लहजे में टिप्पणी की है अपनी इस फैसले के बाद। वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है, लिखा, मोदी जी, योगी जी, केशव मौर्य जी, कहां छिपे हो, सामने आओ। पिछड़ों का हक क्यों मारा ये साफ बताओ। नौकरी में आरक्षण छीना, चुनाव में आरक्षण छीना, बस चले तो पिछड़ों के जीने का हक भी छीन लेगी भाजपा। संजय सिंह का ये बयान है, ये ट्वीट उन्होंने लिखा है। तो जहां आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा, सभी के ट्वीट इस मसले पर आ चुके हैं, विपक्षियों को घेरने का मौका, तो वहीं सरकार अपनी सफाई अब इस मसले पर दे रही है और साफ तौर पर कह रही है कि आरक्षण की जो पद्धति है उसका पालन किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है। वहीं सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने भी ट्वीट किया है, लिखा, मैं पहले भी कहती आई हूं कि ये संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मोहर लगा देता है, वरना 18-18 घंटे काम करने का वायदा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी क्या। ये सवाल उन्होंने उठाया है कि आखिर पहले ये आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं किया गया, आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया पहले ही। और अब आखिरकार कोर्ट से भी यही बात कही गई है कि अगर आयोग का गठन नहीं होता, तय प्रक्रिया के तहत आरक्षण नहीं दिया जाता, तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही आप चुनाव कराइए। अब इस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि आयोग का गठन होगा, जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय का भी रुख कर सकते हैं। और इसी पर सभी बड़े नेताओं के ये बयान भी आ चुके हैं, ट्वीट कर सभी ने हमला बोलने की कोशिश की है। पल्लवी पटेल का ये आप ट्वीट देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लखनऊ के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल का जायजा लिया, उपकरणों को भी चेक किया गया, ऑक्सीजन सप्लाई भी चेक हुई, अस्पतालों में मरीजों को लाने ले जाने की व्यवस्थाओं को देखा गया। यही नहीं, इस मौके पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का अलग ही अंदाज दिखा, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। बलरामपुर अस्पताल में उन्होंने एक व्यक्ति को अपना जैकेट उतार कर दे दिया। अस्पताल में उपकरणों की जांच हुई, किसी भी स्थिति में
निपटने की क्या व्यवस्था है अस्पताल में, इसे चेक किया गया। और उसके बाद ब्रजेश पाठक का एक अलग अंदाज भी आप देख सकते हैं, जहां मरीज को अपनी जैकेट उतार के उन्होंने पहना दी। ठंड में मरीज की मदद करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। जहां कोरोना का संकट बढ़ सकता है, ऐसे में पहले ही सतर्कता तैयारी की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसके लिए मॉकड्रिल का आयोजन आज किया गया। बलरामपुर के एक अस्पताल में मॉकड्रिल की गई, जहां ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त हो ये चेक किया गया, मरीज को लाने ले जाने की व्यवस्था सही हो ये भी देखा गया। तब बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन होगा। ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव होंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम योगी ने कहा है। इसे लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया है, कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं आयोग के गठन के, और साथ ही ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है। सीएम योगी का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इस फैसले के बाद सरकार आगे क्या करने वाली है, किस तरह से चुनावों के लिए आगे बढ़ा जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं और उनके साथ एक गेस्ट भी हैं, उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से वे बात करेंगे। जी ओवर टू यू विवेक। बिल्कुल, देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं, और चूंकि फैसला बहुत महत्वपूर्ण आया है, बड़ा फैसला है, सभी पॉलिटिकल दल जो हैं ओबीसी को लेकर परेशान हैं, खींचतान कर रहे हैं, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये फैसला क्या कहता है? खाबरी जी क्या कहते हैं? जो फैसला आया है, सरकार से कहा गया है कि सरकार चुनाव कराए। एक तरफ ये भी है कि सरकार के कहती है कि हम चुनाव कराएंगे तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया है वो उसके बिना कराएंगे, तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है, और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी, वो लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, इस सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता, तो उनके हक और अधिकार मिल गए होते। लेकिन इस सरकार का केवल और केवल एक ही काम है कि जितने जुमलेबाजी करके लोगों को अपने जाल में फंसा करके उनका वोट लेने का मतलब रहता है, उनके हक और अधिकार की उनको कोई चिंता नहीं है। अगर हमारे प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, तो आने वाले टाइम में उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने किसका हक मारा और किसके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस बराबर से खड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगी, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, दलितों की लड़ाई लड़ेगी, जिन जिन के साथ अन्याय आज हो रहा है उनके साथ, सबके साथ कांग्रेस खड़ी होकर की लड़ाई लड़ेगी। जिस आधार पर यह आरक्षण का फार्मूला लागू किया था सरकार ने, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। रैंडम सर्वे पे किया था, आपने कहा पिछड़ा वर्ग आयोग अगर गठित होता और सर्वे होता उसके बाद तब नतीजे कुछ और अच्छे हैं। ये तो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तो इन्हें करना ही करना चाहिए था। लेकिन आज जो रैंडम जिन्हों रिजर्वेशन दिया है, तो ये रैंडम रिजर्वेशन के देने की मंशा यही थी कि हम इधर रैंडम रिजर्वेशन देंगे और एक साइड से दूसरे आदमी को कोर्ट भेज करके उसको लटका देंगे। इनकी स्पष्ट मंशा ये है कि बैकवर्ड को जो आरक्षण है वो ना दिया जाए, सामान्य और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दे करके चुनाव करा दिए जाए, जो नितांत गलत हैं, एक बड़ी आबादी के साथ अन्याय होगा। हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी जब तक इनका पिछड़ों का हक नहीं मिल जाता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में, तब तक उनके साथ खड़े होकर लड़ाई। तो अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है आगे क्या तस्वीर बन रही है? अब चुनाव होगा इस महीने यानी दिसंबर और जनवरी में होगा, या फिर आगे खिसक जाएगा अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो? के जो अभी तक की जो जानकारियाँ हैं, जो इन्होंने ट्वीट भी किया है कि सुप्रीम ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, लेकिन जो ट्वीट आया है योगी जी का, उससे तो ऐसा लगता है कि ये इस चुनाव को लिंगारोन करना चाहते हैं।
चलिए, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि वे ओबीसी आरक्षण के साथ हैं और आरक्षण मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वे ये आवाज उठाते रहेंगे। शुक्रिया विवेक इस बातचीत के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।